फाइबर का प्रोजेक्ट, उनकी जस्ट में 51 लाख रुपीज़ की चोरी हो गई थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे को जब हमें पता चला यहाँ पे चोरी हो गई थी, इमीडिएटली हमने वहाँ पे अपनी जो पुलिस टीम थी जिसमें SHO और SDPO पर्सनली खुद गए वहाँ पर, और हमने साथ ही जो बारामूला हेडक्वार्टर से FSL की टीम भी वहाँ पे भेज दी, प्लस जो कुछ हमने ट्रैकर डॉग की भी मदद ली थी उस वक्त पर। मौके पे जाके जो हमने देखा कि जो नीचे से दरवाज़ा उसका जो लॉक है वो टूटा हुआ था, ऊपर वाला दरवाज़ा टूटा हुआ था, और जो सेफ अंदर थी वो बिल्कुल खुली थी, काफ़ी आईनी सेफ है वो। तो वहाँ पे जितने भी क्लूज मिले हमें FSL से, जैसे फिंगरप्रिंट से, एक फुटप्रिंट मिला हमें एक अलमारी से, बिसाइड जो वहाँ पे कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ बिखरा हुआ सामान था वहाँ पे, उसके जितने भी हमने एज पर द FSL जो फिंगरप्रिंट्स फुटप्रिंट वो हमने कलेक्ट की। उसके बाद जब हम मौके का मुलाहजा कर रहे थे, उसमें से हमें पीछे जो इस बिल्डिंग की बैक साइड से जो रास्ता ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी कुछ फुटप्रिंट्स मिले जिनको हमने उसी वक्त प्रिजर्व कर लिया बाय द मीन ऑफ फोटोग्राफी दूसरे मेथड से। तो उसके बाद ये जैसे जाहिर की बात थी बिल्कुल ब्लाइंड चोरी थी, तो इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लग गए। उसके बाद हमने जो यहाँ गुरमल गंडोला और कुछ होटलर से भी यहाँ की बाउल की पूरी फुटेज ले ली, और फुटेज को हमने ऑब्जर्व किया 2 दिन तक, दैट वॉज अ कंबर्सम प्रोसेस, उसको एक एक करके चेक करना, हज़ारों लोग यहाँ उस वक्त घूम रहे थे, उनमें से हमने 2-3 लोग जो सस्पिशियस लगे उन पर हमने ज़ीरो कर लिया। उन 2-3 लोगों में से सस्पेक्ट करके हमने जो केबल कार प्रोजेक्ट के लोग हैं इनसे हेल्प करके एक आदमी को हमने उसमें पहचान लिया, जिसका नाम अब्दुल बशीर अहमद एलियास MLA, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है। पास्ट में कभी उसने इलेक्शन लड़ा है, हार गया, तो उस वजह से उसको MLA वोट बोल रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई हो गया पहला आदमी इन सब जो सस्पिशियस मूवमेंट्स हमें लगी थी। उस दिन रात को भी कुछ फुटेज ली थी हमने, तो दिन की भी फुटेज ली थी। एक दो आदमी हमें वहाँ पे लगे थे, इसका थोड़ा पहचान लगा क्योंकि ये काम करता था यहाँ पे, तो ये जल्दी आइडेंटिफाई हो गया, एंड ही वॉज पुट ऑन सस्टेंडेड इंटरोगेशन। तो उसके डिस्क्लोजर पे हमें एक ऐसी कहानी सामने आई कि जिसमें गंडोला का एक अपना मुलाजिम जो इसका पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब्दुल हाद, जिसको यहाँ पे आहद गंडोला के नाम से जाना जाता है, ये तो मेन